गलियारों से गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और ये अवसर है काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का। अब से थोड़ी ही देर में भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं उन लोगों के बीच जो पदों के साथ वहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री अभी बातचीत कर रहे हैं, महिला हैं, ये बबली देवी हैं, और ये अपने उत्पाद के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी एक बहन दिव्या से बात कर रही हैं, जो पिछले कई साल से ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन संस्था से जुड़कर ये काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब मिल रहे हैं शालिनी यादव से, जो ये बताती हैं कि गुलाबी मीनाकारी कैसे होती है। 6,000 से 7,000 रुपया प्रति महीना ये कमा लेती हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही सहजता के साथ इन लोगों से मिल रहे हैं। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि कैसे ये जो हमारे बुनकर भाई हैं, बुनकर बहन हैं, कैसे अपने कार्यों से अपनी आजीविका चला रहे हैं, और कैसे ये जो काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अभी उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के उस स्टॉल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर अलग अलग जनपद से लाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है यह एक जनपद एक उत्पाद का, एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान द्वारा जो ये सामग्रियां प्रदर्शित की गई हैं, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उन बुनकरों से, उन भाइयों से, उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री अब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। अब ये विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे देश का, वहाँ के स्टॉल पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे वो निर्माण करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और यह अवसर है काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का। हस्तकला संकुल में आयोजित ये कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद, इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर ये बुनकर भाई और जो अलग अलग चीज़ों से जुड़े हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चंदौली जिले के उस चावल को देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है चंदौली, जो चावल और धान का कटोरा जिसे कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री वहीं पर वो चावल के उस उत्पाद को देख रहे हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से संभवतः उस चावल के बारे में बात कर रहे हैं। काला चावल जो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है इस क्षेत्र का, और इस के बारे में उनसे बातचीत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी ही देर में काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अभी वे विभिन्न स्टॉल पर लगे चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी बनारस के ऊड कार्विंग, जो लकड़ियों पर उत्पाद बनाए जाते हैं वहाँ, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिरोजाबाद से हमारे बीच आए हैं ग्लास वेयर्स, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। ये उत्पाद ग्लास से बने हुए हैं, शीशे के बने उत्पाद को, उसका अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में वो बताया जा रहा है उन्हें कि वो कैसे इन उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इन उत्पादों का निर्माण शीशों द्वारा होता है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, अब इत्र की जो दुकान है, इत्र के लिए जो बनाया गया है स्टॉल, जो कन्नौज से हमारे भाई आए हैं, जो इसे इन्होंने इसे लघु उद्योग के रूप में इसे सृजित किया है इत्र, और ये बता रहे हैं कि कैसे इत्र के माध्यम से इन्होंने अपने को सशक्तिकरण से जोड़ा है, कैसे अपने को समृद्धि से जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिज्ञासावश देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या स्टॉल लगाए गए हैं। आगरा से हमारे जो भाई आए हैं, जो चर्म शिल्प का कार्य करते हैं, अब उस स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और साथ में राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी भी हैं। आगरा का ये उत्पाद, चर्म शिल्प उत्पाद, माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, और ये अवसर है काशी एक रूप अनेक, एक जनपद एक उत्पाद, प्रत्येक जनपद से उत्पादों को यहाँ लाया गया है और यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर अपने अपने जनपदों से जो विशेष उनकी पहचान है उसे यहाँ वो प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह के उत्पाद यहाँ पर हम लाते हैं और किस तरह से हम कार्य करते हैं। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जो अपने उत्पादों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। वाराणसी का ये जो प्रमुख लकड़ी उद्योग है जिससे जुड़कर लोग अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उनसे ये देख रहे हैं, और ये सब वुडन वर्क है जो लकड़ियों पर निर्मित किया जाता है, और बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं वो व्यवसायी, वो व्यक्ति जो स्वयं इन हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, और अभी उन्होंने वाराणसी के इस का अवलोकन किया। अभी आजमगढ़ से जो हमारे भाई आए हैं, जो इसे जुड़े हैं और ब्लैक पॉटरी का काम करते हैं, उसे स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं। ब्लैक पॉटरी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मिट्टी से बने बर्तन, लेकिन उसको विशेष रूप से इस ऐसा दिखाया जाता है कि वो, और बहुत ही ये उत्पाद प्रभावशाली है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, और ये आजमगढ़ द्वारा लाया गया था, अब माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के दूसरे कार्य को देख रहे हैं, गुलाबी मीनाकारी जिसे कहते हैं, और इसे जिला उत्पाद केंद्र द्वारा बनाया गया है, जिला उत्पाद केंद्र। जीआई प्रोडक्ट जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट कहते हैं, जो बौद्धिक संपदा अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, आईपीआर जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ये सारे उत्पाद आते हैं, और इन उत्पादों को जीआई पंजीकृत उत्पाद के रूप में हमारे सामने ला रहे हैं, और ये इन चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत, जो वाराणसी के शिल्प, वाराणसी के उत्पाद, और वाराणसी के जो अलग अलग उत्पाद हैं उसे लोगों तक ले जाते हैं, जन जन तक ले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही सहजता से उसे निहार रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और उसके गति के बारे में, उसके कार्य के बारे में जानने को उत्सुक, और साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत कैसे हम इसे संरक्षित करते हैं, कैसे हम इसे जानते हैं कि ये किस क्षेत्र का है, इसका भौगोलिक परिदृश्य क्या है, और कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद, और ये अवसर है
काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का। अब माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़कर यहाँ वो भी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं इन स्टॉल्स का। एक जनपद एक उत्पाद, गोरखपुर से टेराकोटा, और अब यहाँ पर वो ताले के लिए जो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, हम जानते हैं कि जो ताले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे देखा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर से ये सेरेमिक उत्पाद के साथ हमारे भाई उपस्थित हुए हैं और इन्होंने ये निर्माण किया है, एक जनपद एक उत्पाद, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं और वो उन्हें ये बता रहे हैं कि आपने जो कार्य किया है प्रशंसनीय है। उसी प्रशंसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना ऑटोग्राफ दिया। चंदौली जिले से ये इनका स्टॉल, अभी वो मिल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं उस स्टॉल पर जहां उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा और उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तीन उत्पाद बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने निर्मित किया है विद्युत चालित चाक, जिस चाक के निर्माण से जो हमारे भाई हैं बर्तन निर्माण करने वाले, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा जो कार्य हैं उसको उन्होंने देखा और फिर यहाँ पर कार्यरत लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड विद्युत चालित चाक निर्मित किया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दोना पत्तल मशीन और सोलर चरखा का भी निर्माण किया गया है, और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि इनकी क्या गतिविधि है, ये कैसे काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक मेमेंटो प्रदान किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड और उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यहाँ पर दोना पत्तल मशीन और विद्युत चालित चाक के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनसे बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये अवसर है जब थोड़ी देर में वो इस कार्यक्रम का, काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रसन्न भाव से प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा ये निर्मित संसाधन, निर्मित वस्तुओं का अवलोकन कर रहे हैं। ये सोलर चरखा जो सूर्य की रोशनी से चलने वाला है, साथ में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन पटेल जी भी दिख रही हैं, और सोलर चरखा के बारे में जो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित किया गया है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री ने जानकारी प्राप्त की। बहुत एक जिज्ञासु के रूप में वो हर चीज़ों को देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा देश समृद्ध देश हो रहा है, कैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय संकल्पों के साधक, काशी का भारत का विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ तथा सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी में आज विश्व मान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं,
जिनके सानिध्य में परंपरा और विकास की गंगा साथ साथ बहती है, और आज वाराणसी के कारीगरों, हस्तशिल्प कलाकारों और बुनकरों के हुनर को हौसला और उनकी जिंदगी को प्रगति और समृद्धि की सौगात प्रदान करने आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की पूरी जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन शॉल से करें। आपसे ही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को वाराणसी की बेजोड़ गुलाबी मीनाकारी से सजा चांदी का लूम भेंट करें। ये कला हैंडलूम, ये देखिए हैंडलूम है जो हैंडीक्राफ्ट में बना है, ये कलाओं का एक मेल है जैसे। और अब हम निवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को भदोही की कारपेट कला की ये बेमिसाल कृति भेंट करें, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। अत्यंत भाव विभोर कर देने वाली है ये भावना। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बाहर भी 5,000 आर्टिसंस, कारीगर, कलाकार, बुनकर बैठे हुए हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और अब हम अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती क्षिप्रा शुक्ला से कि कृपया इस संस्थान के बारे में कुछ परिचय दें। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, यूपीआईडी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यह हर्ष का विषय है कि काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम वाराणसी की पावन धरती पर आयोजित किया गया, और हम लोगों के लिए किसी भी सपने से कम नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहां आना स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि वो एक सामान्य से शिल्पी को वैश्विक हो रहे बाजार में ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रति कितने सजग हैं। हमें ये कार्यक्रम एक सेतु की तरह नजर आ रहा है, जहाँ एक तरफ पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला सजोई शिल्पी और कारीगर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम बड़े व्यवसायी और कॉरपोरेट्स जो यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश दुनिया तक लेकर जाएंगे। यूपी सरकार की स्वायत्त शासी संस्था यूपीआईडी ने 2003 में स्वरूप लिया। 2017 से संस्थान ने क्राफ्ट के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। सहारनपुर से लेकर सिद्धार्थ नगर तक हमारे डिजाइनर्स ने वर्कशॉप्स के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को एक नई दिशा प्रदान की है। संस्थान का कैंपस 5 एकड़ में शहीद पथ लखनऊ में बन रहा है। आप सबको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन के महत्व को समझा और 24 सितंबर 2019 में उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे डिजाइन यूनिवर्सिटी बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये प्रदेश सरकार की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी होगी जो क्राफ्ट के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देगी। वाराणसी सहित प्रदेश के सभी क्राफ्ट एवं हैंडलूम को वैश्विक पहचान मिले, डायरेक्ट मार्केट के साथ डिजाइन भी मिले और हम प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है और स्वरूप भी। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा से आए बायर डिजाइनर क्राफ्ट पॉकेट में जाकर स्वयं देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को बनाने में कितना समय और ऊर्जा लगती है, जिससे आर्टिजन को उनके उचित दाम दिलाए जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बायर्स टेक्निकल सेशंस द्वारा उनको नई डिज़ाइन, गुणवत्ता, सही रंगों का चयन, टेस्टिंग, पैकेजिंग के महत्व के साथ ही उत्पादों को एक कैसे एक प्रेजेंटेबल फोटो उनकी खींची जाए जिससे कि उनकी उपयोगिता बढ़े और वो मार्केट में ज़्यादा बिके। हम अनुग्रहित हैं कि मेक इन इंडिया का सपना सजोने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुनकरों और कारीगरों के हुनर को समझा और सहर्ष यहाँ उपस्थित हुए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूं तो कलाकार की कारीगरी अपने आप में उसके हाथों का जादू है, उसकी नायाब कल्पना का साकार रूप है, पर परंपरा को निभाना भी तथा बदलते बाजार को अपनाना भी,
उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान का कारीगरों के लिए यही प्रयास है। तो आइए देखते हैं इस संस्थान पर एक फिल्म। मैं उत्तर प्रदेश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज कला और व्यवसाय से संबंधित दुनिया के तमाम दिग्गज यहाँ नजर आ रहे हैं। सच मानिए, UPID के काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम को देखकर न केवल मुझे प्रसन्नता हो रही है, बल्कि आपको भी यहाँ आकर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ अद्भुत होने वाला है। बनारस के घाटों जैसा विस्तृत और गंगा जल जैसा पवित्र। दरअसल हजारों साल का मेरा कला और व्यापार का वैभव कहीं खो सा गया था। आपकी उपस्थिति बता रही है कि ये वैभव फिर से दुनिया में छा जाएगा। यहाँ की कला और प्रोडक्ट पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे। 18 लाख शिल्पी और 5 लाख बुनकरों का हुनर आगे बढ़ेगा और साथ ही बढ़ेगा आप सबका व्यापार। गंगा, यमुना, सरयू, वोल्गा, टेम्स और अमेज़न जैसी तमाम नदियों के इलाके में छा जाएंगे। कारपेट, गुलाबी मीनाकारी, ग्लास, पॉटरी, बनारसी साड़ियाँ और न जाने क्या क्या आपका व्यापार बढ़ाएगा। कस्बे की छोटी सी दुकान से लेकर पूरी दुनिया के बाजार तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान अनुग्रहित है। तीन साल पहले एक जिद की उत्तर प्रदेश ने 75 जनपदों में चल रहे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की, छोटे परंपरागत उद्योगों को वैश्विक पहचान देने की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत यूपी के हजारों परंपरागत उद्योगों को सही पॉलिसी फ्रेमवर्क में ढालकर बड़ा बनाना था। इसके लिए कई पुराने तरीकों को बदला गया। कहीं हस्तशिल्प और बेहतरीन कारीगरी के उत्पादों की पहचान कर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के प्रयास हुए। कहीं डिजाइन पैकेजिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, टेस्टिंग फैसिलिटी और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाए गए, तो कहीं सिंगल विंडो क्लियरेंस, इजी क्रेडिट एक्सेस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया गया। कहीं स्किल डेवलपमेंट और टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी गई, तो कहीं ODOP के तहत 20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कहीं ODOP के कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की मदद से डिजाइन बैंक, रॉ मटेरियल बैंक, सेल्स सपोर्ट ट्रेनिंग, स्किलिंग और पैकेजिंग को सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के चलते यूपी के लघु उद्योगों की क्षमता कई गुना बढ़ी और व्यापार क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बनी। 40,000 हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को निशुल्क टूल किट दिया जा रहा है। कुल 1.14 लाख करोड़ मूल्य में से 80% ODOP उत्पाद एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि विगत 2 वर्षों में 28% बढ़ा है और इस वित्तीय वर्ष में 10% की वृद्धि का अनुमान है। साथ ही कुल 14 ODOP उत्पाद GI उत्पादों के रूप में पंजीकृत हुए हैं। 10 नए ODOP उत्पादों को GI पंजीकृत कराया जा रहा है। Amazon इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, NSC, BSC जैसे बड़े संगठनों से MOU साइन किए हैं। विश्व में उत्तर प्रदेश के ODOP उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की ओर। तो आइए एक नई उड़ान भरते हैं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान की कहानी लिखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम, नई उड़ान, नई पहचान। ODOP उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की ओर। तो आइए एक नई उड़ान भरते हैं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान की कहानी लिखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम, नई उड़ान, नई पहचान। एक जनपद एक उत्पाद, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ये पहल कारीगरों की कला के लिए मानो ऐसी है जैसे सोने पे सुहागा। पिछले 2 सालों में
कैसे उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान कलाकारों, कारीगरों एवं बुनकरों की कला तथा उनके जीवन को निखारने में सहायक रहा है, इसी बात का आईना है एक पुस्तक। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। अ जर्नी ऑफ उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला परंपरा आज मुस्करा रही है, क्योंकि इस कला परंपरा को उनके संरक्षक जो प्राप्त हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्प कलाकारों के लिए खुशी और समृद्धि की ढेर सारी सौगातें लेकर आए हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया ये सौगातें कुछ लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत श्रीमती कविता को टूल किट दिया जा रहा है, ये किट सिलाई का है। और ये देखिए यहाँ पर 5,000 आर्टिजन्स बैठे हुए हैं जिनको टूल मिला हुआ है माननीय, वो उठाकर दिखा रहे हैं कि कितने सारे उनको टूल्स मिले हुए हैं। आज 5,215 लाभार्थियों को टूल किट दिए गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 40,000 लाभार्थियों को टूल किट्स दिए जा रहे हैं। और अब मंच पर आमंत्रण है अश्विनी विश्वकर्मा को, जो कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत जिन्हें टूल किट दिया जा रहा है लोहारी कला के लिए। श्रीमती कशिश एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत इन्हें टूल किट दिया जा रहा है जरी जरदोजी के काम के लिए। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत 3,16,000 लोगों को 5,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा रहे हैं। 2 लोगों को सांकेतिक रूप से चेक दिया जा रहा है। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है श्रुति अग्रवाल को, एक जनपद एक उत्पाद के तहत इन्हें चेक दिया जा रहा है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी तथा डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। 47.5 लाख का ये लोन है। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री ब्रिज रतन शाह को मिल रहा है 23 लाख रुपए के चेक लोन। साड़ी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी। और अब मंच पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, सांकेतिक चेक ग्रहण कर रहे हैं श्री अमरेश कुशवाहा रामनगर, जनाब जुल्फिकार आलम बजरडिया, श्री सुनील कुमार चोलापुर, जनाब मौलाना अनवर काशी विद्यापीठ, जनाब मोहम्मद मंसूर खान सेवापुरी, जनाब अब्दुल हफीज अंसारी अराजी लाइन, श्री चंद्रभूषण प्रताप सिंह पिंडरा, जनाब रियाजुद्दीन बड़ा गाँव, श्री लल्लन चिरईगांव। वाराणसी में सिल्क कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए गए थे, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1,05,00,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया गया और अलग अलग सेंटर के अध्यक्ष यहां पर आपने देखा कि वो आए थे चेक लेने के लिए। और अब सोलर लाइट वितरण किया जाएगा, 2,187 कालीन बुनकरों को लेट आधारित सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, उन्हें ऊर्जावान और सशक्त बनाया जा रहा है ये देकर। और 3 बुनकरों को यहाँ पर आमंत्रित हम कर रहे हैं, सुनीता देवी धमापुर भदोही से प्रमाण पत्र इन्हें दिया जा रहा है। श्री कमलेश कुमार यादव सारीपट्टी मिर्जापुर, श्री साहूलाल ठठरा वाराणसी, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। माननीय अब हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया एमएसएमई तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रमोशन विभाग के ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है ताकि ये जनपद जो है वो हमारा ये जो एक जनपद एक उत्पाद के तहत ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सके लोग, जहाँ जहाँ इन उत्पादों की प्रदर्शनी लगी होती है वहाँ इस वेबसाइट का उल्लेख भी किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का बहुमुखी चहुमुखी विकास करके उत्तर प्रदेश को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कारीगरों बुनकरों तथा हस्तशिल्प कलाकारों के हितों का पूरा ख्याल रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से अब हमारा निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, अपने विचार व्यक्त करें। काशी एक रूप अनेक लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम से जुड़े हुए एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के संयुक्त कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, चौधरी उदयभान सिंह जी, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की अध्यक्ष श्रीमती चिप्रा शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न शिल्पकार और अन्य कारीगर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं काशी की इस धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने परंपरागत उद्यम को, कारीगरों को, शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए देश के अंदर लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उन सभी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हमें याद है जब हमने इसकी शुरुआत की थी, उससे पहले परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जितने भी शिल्पकार थे, जितने भी उद्यमी थे, उन सब में एक निराशा थी, हताशा का सा माहौल था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से इस बात के लिए फोकस रहा है कि बड़े उद्योगों की आधारशिला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ही बन सकते हैं, और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख से अधिक ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां कुशलतापूर्वक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रही हैं, और लगातार प्रदेश का एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में एमएसएमई ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। एक जनपद एक उत्पाद के साथ ही उन्हें नई डिजाइन, उनके लिए मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग, इन सब को एक साथ जोड़ते हुए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की संस्थाएं जहां इसको प्रोत्साहित कर रही हैं, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के परंपरागत कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी आगे बढ़ाने की अभिनव योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की, जिसमें माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों को परंपरागत मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक या सोलर चाक उपलब्ध करा करके उसके कार्य की क्षमता को कई गुना आगे बढ़ाना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद हम मांग के अनुरूप समाज के सामने पत्तल और दोना उपलब्ध करा सकें, इसके लिए पत्तल और दोना बनाने की मशीन, ये मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक भी है और सोलर भी है। इसी प्रकार से चरखा, मैनुअल चरखा भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और सोलर चरखा भी, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कारीगरों को, चाहे वह राजमिस्त्री है, चाहे वह कारपेंटर है, गांव का नावो है, गांव का मोची है, गांव से जुड़े हुए हलवाई है, या गांव किसी भी उस परंपरा से जुड़ा हुआ
जो परंपरागत कारीगरी रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव गांव से उन लोगों को प्रोत्साहित करना, टोल किट की व्यवस्था करना और फिर उनके किसी बैंक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के साथ उन्हें जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि अकेले ओडीओपी में 5 लाख से अधिक नौजवानों ने इसमें रोजगार पाया है और अपना स्वयं का उद्यम उन्होंने स्थापित किया है। इस वर्ष जो स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने चलाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और विश्वकर्मा सम्मान समारोह विश्वकर्मा श्रम सम्मान में भी, इस योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 3,14,000 से अधिक उद्यमी इसका लाभ लिए और उन्हें टोल किट वितरण उपलब्ध कराने के साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक का लोन उपलब्ध कराने में मदद मिली है। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन स्वयं प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इन उद्यमियों को प्राप्त हो रहा है, हम सब आह्लादित हैं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम दुनिया के सामने और भारत को दुनिया की 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की जिस कार्यक्रम के साथ भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, हमारा परंपरागत उद्यमी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की ओर अपना प्राण से अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में और उन्हीं के द्वारा प्रेरित प्रोत्साहित इन सभी शिल्पकारों कलाकारों उद्यमियों के बीच में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। काशीपुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मानो काशी वासियों के लिए अभिभावक भी हैं। वाराणसी की अलौकिक संस्कृति की लौ को अपने दोनों हाथों से संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अतीत के गौरव वाली काशी से वर्तमान और भविष्य वाली काशी के बीच का ये जो सेतु है उसे देखकर माँ गंगा भी हर्षित है। आपकी कर्मठता से परंपरा और प्रगति का ताना बाना बुनकर बनारस सचमुच बेहद बदल गया है माननीय। काशीवासियों का अभिमान माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। देश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री श्रीमान सिद्धार्थनाथ जी, श्री उदयभान सिंह जी, यूपीआईडी के प्रेसिडेंट श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी, दुनिया के अनेक देशों से आए प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए बायर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े साथी और भारी संख्या में पधारे हुए बुनकर और कारीगर बहनों और भाइयों, काशी में ये मेरा आज तीसरा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं अध्यात्म के कुंभ में था, फिर आधुनिकता के कुंभ में गया। बनारस के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अब मैं एक प्रकार से स्वरोजगार के इस कुंभ में पहुंच गया। यहां भांति भांति के शिल्पकार कलाकार
एक ही छत के नीचे उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक एक धागे को जोड़कर, मिट्टी के एक एक कण को घड़कर, बेहतरीन निर्माण करने वालों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाने वाले एक ही छत के नीचे बैठे हैं। ऐसा दृश्य मन को आनंदित करता है, एक नया विश्वास पैदा करता है, उत्साह बढ़ा देता है। सच में काशी एक है, लेकिन इसके रूप अनेक है। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम के इस आयोजन के लिए प्रशंसा करता हूं। यूपी के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने, उनको दुनिया के व्यापक ऑनलाइन बाजार पर उपलब्ध कराने का ये जो प्रयास है, इससे पूरे देश को लाभ होने वाला है। यही नहीं, हमारे बुनकर साथियों को, दूसरे हस्तशिल्पियों को जो मशीनें दी जा रही हैं, बैंकों से जो लोन दिया जा रहा है, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए अनेकविध सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सारी बातें बहुत बहुत सराहनीय है। आज भी जिनको ये सुविधाएं यहां मिली हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, भारत की हमेशा से ही ये शक्ति रही है कि यहां के हर क्षेत्र, हर जिले की पहचान से कोई न कोई विशेष कला, विशेष आर्ट और विशेष उत्पाद जुड़ा रहा है। ये सदियों से हमारे यहां परंपरा रही है और हमारे व्यापारियों कारोबारियों ने इस परंपरा का प्रचार प्रसार भी पूरी दुनिया में किया है। अलग अलग तरह के मसाले, अलग अलग तरह का सिल्क, कहीं कॉटन, कहीं पश्मीना, कहीं मिनरल्स, न जाने क्या नहीं है, भंडार भंडार ही भरे पड़े हैं। हमारे हर जिले के पास एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी एक कहानी है। हमारे आदिवासी अंचलों में भी बेहतरीन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, ऐसे अनेक हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ऐसे अनेक उद्योग हैं जो पारंपरिक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और यही मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विचारों के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के पीछे भी भारत का यही सामर्थ्य है। साथियों, हमारे पास संसाधनों की और कौशल की कभी कमी नहीं रही है। बस एक व्यापक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। जरूरत बस इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे बताया गया है कि यूपीआईडी द्वारा पिछले 2 वर्षों में 30 जिलों के 3500 से ज्यादा शिल्पकारों बुनकरों को
डिजाइन में सहायता दी गई है। क्राफ्ट से जुड़े उत्पादों में सुधार के लिए 1000 कलाकारों को टूलकिट भी दिए गए हैं। बायर सेलर्स मीट के जरिए शिल्पकारों बुनकरों के कॉन्क्लेव के जरिए टूलकिट देकर अनेकों वर्कशॉप आयोजित करके यूपीआईडी ने हजारों कलाकारों को अपना कारोबार बढ़ाने में भी और अपने कारोबार में नयापन लाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। दुनिया में क्राफ्ट और शिल्पकारी में जो कुछ चल रहा है, यूपी के कलाकारों के लिए यूपीआईडी उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, यहां आने से पहले मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी एक बहुत शानदार प्रदर्शनी को भी देख करके आया हूं और मेरा आपसे भी आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को बारीकी से जरूर देखिए। आप यूपी के अलग अलग हिस्सों के उत्पादकों का शानदार कलेक्शन वहां है। वहां दोना पत्तल बनाने वाले कारीगरों को आधुनिक मशीनें भी दी गई हैं और उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। साथियों, अब जब भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया है, पूरी दुनिया प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे समय में हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली समाधान हम पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, जरूरत बस अपनी इस पुरातन परंपरा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के हिसाब से ढालने की जरूरत है। अपने उत्पादकों को और परिष्कृत करने, रिफाइन करने, उसमें समय के हिसाब से जरूरी बदलाव लाने, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की है। और यह तभी संभव है जब परंपरा से चल रहे इन उद्योगों को हम संस्थागत सपोर्ट दें। जब बदलती दुनिया, बदलते समय, बदलती मांग के अनुसार इन उत्पादों में भी जरूरी बदलाव करें और इसके लिए इन पारंपरिक उद्योगों से जुड़े साथियों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा ये मिले, ये बहुत जरूरी है। बीते 5-5.5 वर्षों से यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। ये सोलार चरखा, ये सोलार लूम, इलेक्ट्रिक चाक, ये सब इसी के उदाहरण है। इतना ही नहीं, आज जिस हस्तकला संकुल में हम सभी बैठे हैं, ये भी सरकार की इसी सोच और अप्रोच का परिणाम है। आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले बनारस का, यूपी का सामान्य बुनकर, सामान्य निर्यातक इस तरह निवेशकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संवाद कर सकता था क्या? कभी उसने सोचा भी था क्या? ये संभव ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मंच ही नहीं था। तब की सरकारों के पास पैसा नहीं था या समझ नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सवाल था कि अप्रोच की समस्या थी। अब देश उस पुरानी अप्रोच से आगे निकल चुका है। देश के हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटर के अलावा भी वाराणसी सहित पूरे देश में
अनेक ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां सामान्य हस्तशिल्पी, सामान्य कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सके। मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना केंद्र सरकार के व्यापक विजन को भी गति दे रही है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि बीते दो वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये ग्रोथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं और एमएसएमईज को मिल रही सुविधाओं के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब इसमें अभी जो लॉन्च किया गया ई कॉमर्स पोर्टल भी आने वाले दिनों में बहुत मदद करेगा। साथियों, इस बार का जो बजट है उसने भी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्ष के लिए छोटे और मझले उद्योगों के विकास का एक खाका खींचा गया है। इस बजट में जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें भी एमएसएमईज और स्टार्टअप्स प्रमुख रहे हैं। यही मेक इंडिया के देश में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण के बड़े माध्यम है। साथियों, टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग देश में, उत्तर प्रदेश में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम है। ये पूरा क्षेत्र तो बुनकरों का, कालीन उद्योग से जुड़े कलाकारों और श्रमिकों का एक प्रकार से मुख्य केंद्र है। लाखों परिवारों का जीवन कपड़ा और कालीन उद्योग पर चलता है। इसी टेक्सटाइल उद्योग को नया आयाम देने का प्रयास इस वर्ष के बजट में किया गया है। जैसे जैसे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार हुआ है, टूरिज्म बढ़ रहा है, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर विस्तृत हो रहा है, वैसे वैसे इन सेक्टर में टेक्सटाइल की डिमांड भी, और वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल की डिमांड भी बहुत व्यापक हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भारत हर वर्ष करोड़ों रुपयों से अधिक का टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, आयात करता है, लेकिन जितना कारपेट हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल हम इंपोर्ट करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए इसके रॉ मटेरियल यानी पॉलीमर फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इस बजट के अंदर खत्म कर दी गई है। दशकों से टेक्सटाइल की इस दुनिया से जुड़े लोग दशकों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन उस काम को इस सरकार ने इस बार पूरा कर दिया है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया गया है, जिस पर आने वाले 4 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्माण से जुड़ी जरूरी सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और स्किल का निर्माण किया जाएगा। साथियों, इस साल के बजट में यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी करीब 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल में लखनऊ में दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों ने यहां उद्योग लगाने की रुचि दिखाई है। कई कंपनियां समझौते भी कर चुकी हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर से मौजूदा छोटे, लघु और मझोले उद्योगों को भी लाभ होगा और अनेक नए लघु उद्योगों के लिए भी रास्ता खुलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के दौरान
रोजगार के हजारों नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, न्यू इंडिया की एक पहचान वेल्थ क्रिएटर्स पर विश्वास, उनका सम्मान भी है। आज कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य जन को और सामान्य कारोबारी को कागजों के दस्तावेजों के बोझ से मुक्त किया जाए, सरकारी प्रक्रियाएं उलझाने के बजाय सुलझाने वाली हो, रास्ता दिखाने वाली हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। यहां जो एमएसएमई से जुड़े उद्यमी साथी हैं, आपकी ऑडिट वाली एक बहुत बड़ी शिकायत रहती थी, सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों में भी आपको कागजों में उलझे रहना पड़ता था और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखवाना पड़ता था, ऑडिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। कितना अनावश्यक खर्च और समय की भी बर्बादी इन सब चीजों पर करना पड़ता था। इस बजट में आपको इससे मुक्ति मिली है। अब ऑडिट सिर्फ 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्योगों के लिए ही रखा गया है। साथियों, सरकार के अलग अलग विभागों कई बार लंबी प्रक्रियाओं की वजह से छोटे उद्यमियों को कैश फ्लो की समस्या भी आती रही है। अब कानून में संशोधन किया गया है जिसके बाद आपके सामान के बिल और इनवॉइस के आधार पर एनबीएफसी आपको ऋण दे सकेगी। लोन की सुविधा को और आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की योजना है। आप अपने मोबाइल फोन से लोन ले सकते हैं, ये स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए भी एमएसएमई के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, यही नहीं, सरकारी खरीद से लेकर लॉजिस्टिक्स तक भी अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनका सीधा लाभ छोटे और मझोले उद्योगों को होने वाला है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, जीईएम के बनने से सरकार को सामान बेचने में छोटे उद्यमियों को बहुत आसानी हुई है। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता भी आई है। अब इस सिस्टम को और आसान बनाने के लिए यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाने की घोषणा की गई है। इससे सरकार छोटे उद्यमियों के द्वारा दी जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज और वर्क सभी को एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोक्योर कर पाएगी। साथियों, एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंडिंग की डिजिटल व्यवस्था तैयार की जा रही है। इससे निर्यातकों को रिफंड की सुविधा तेजी से और आसानी से सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म जिससे इस हॉल में बैठे सभी स्टेक होल्डर्स को लाभ होने वाला है, जीएसटी लागू होने से देश के लॉजिस्टिक्स में एक व्यापक बदलाव आया है। अब इस बदलाव को और मजबूत किया जा रहा है। देश में पहली बार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तैयार की जा रही है। इससे सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट का निर्माण होगा। इससे लघु उद्योग अधिक कॉम्पिटिटिव होंगे और रोजगार निर्माण में भी मदद मिलेगी। एमएसएमई को सशक्त करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के आयात को कम किया जा रहा है जिनसे बेहतर उत्पाद भारत में ही बन रहा है। साथियों, टैक्स सिस्टम में सुधार, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, इसका भी व्यापक लाभ आप सभी को
देश के हर साथी को होने वाला है। देश के वेल्थ क्रिएटर्स को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसके लिए पहली बार टैक्स पेयर चार्टर बनाया जा रहा है। दुनिया के बहुत देश होंगे जहां इस प्रकार की सोच नहीं है। इससे टैक्स पेयर के अधिकार तय होंगे, टैक्स पेयर को उसके कारण सामने से कोई भी आएगा तो उसको पूछने की ताकत मिलेगी, एक बहुत प्रकार से बहुत बड़ा एश्योरेंस टैक्स पेयर को मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन को भी फेसलेस किया जा रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स को 15% तक किया गया है। आज भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स की दरें इतनी कम है। इन्वेस्टर्स को आसानी हो, इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने की भी योजना है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम करेगा। इससे निवेशकों को सेंटर और स्टेट लेवल पर जरूरी क्लियरेंस की जरूरी जानकारी लेना आसान हो जाएगा। साथियों, ये तमाम कदम हर भारतीय के लिए, हर स्टेक होल्डर के लिए, हर निवेशक के लिए, हर उद्यमी के हित में है। देश को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो आगे भी उठाए जाएंगे। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों, छोटे उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हित में लिए जा रहे फैसले आगे भी होते ही रहेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने और प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं फिर एक बार इस भव्य आयोजन के लिए, एक फोकस इनिशिएटिव के लिए और वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये जो योजना बनाई है, जो आज का समारोह आयोजित किया है, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कुछ ही दिन के बाद बनारस का सबसे प्यारा महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिनों दिन काशी का ओज तेज और रूप सवरता देख काशीवासी बहुत उत्साहित हैं। माँ गंगा और तिरंगा जिनके हृदय में बसते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री देश को देने वाली काशी नगरी आज गर्वित है। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका पधारने के लिए। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी अभी प्रस्थान कर रहे हैं, आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर रहें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ।